बीजेपी पर कि बीजेपी मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान है उनको पैसे देके पत्थरबाजी करवा रही है। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। विपत्ति कभी कभी व्यक्ति का संतुलन बिगाड़ देती है। कांग्रेस की जो हालत है, ऐसी हालत में दिग्विजय सिंह जी का कुछ भी बयान देना स्वाभाविक है। मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं, मुझे तरस आता है उनकी बुद्धि पे। इतने बड़ा नेता होने के बाद इतनी संकुचित विचारधारा की वो बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश और देश में जिस तरह से काबू पाया है आतंकवाद पे और असामाजिक गतिविधियों पे, उससे कांग्रेस को बड़ी पीड़ा है, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी बौखला करके इस तरह के बयान दे रहे हैं। बेहतर होगा कि वो अपने संगठन पे, अपनी पार्टी पे ध्यान दें, क्योंकि दिग्विजय सिंह के बयान को तो उनके पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए ना प्रदेश की जनता उनको गंभीरता से लेती है, ना हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके बयान को गंभीरता से लेते हैं।